इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कान के पास के बाल श्वेत भय, महाराज को अंदर से ज्ञान आया। अंदर पजुव राज जीवन जन जन्म का लाभ हो जाए। अरे हो सोचल का गली ठाकुर केहू कया जुले न भे केहू कया जुले न भले घर बनाता कोई है, गृह प्रवेश की पूजा कोई करवाता है। हम आप जो सोचे नहीं होता है, मंदिर कोई बनाता है, प्राण प्रतिष्ठा होते होते रह जाता है मंदिर, और बाद में मंदिर बिक जाता है, उसमें कबूतर बैठते हैं। हमारे बिठूर आश्रम के बगल में एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, अद्भुत मंदिर है। दाएं बाएं शिव जी हैं, दाहिने शक्ति अम्बा हैं, इधर उधर क्या बना है साहब। सेठ जी बनाते बनाते चले गए, बच्चों ने उसको बेच दिया, कौन देखेगा मंदिर किसके समय है साहब, चले गए। इसलिए सोचने का बहुत योजनाबद्ध व्यवहार नहीं करना चाहिए। सोचा उतना जाए, साल डेढ़ साल में निपट जाए, ब्रह्मा जी रखें तो बन जाए। चक्रवर्ती जी ने सोचा, क्या सोचा, नृप जुव राज सोचते ही गुरु जी के पास गए। प्रभु राम जी सब प्रकार योग्य हो गए, आप आज्ञा करते तो उनका युवराज पद पर अभिषेक हो जाता। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन उत्तम विचार है, श्रेष्ठतम विचार है, हो जाए। कब हो जाए? गुरु जी ने कितनी बढ़िया बात कही, बेगी न करी नृप साजी सब समान। गुरु जी ने कहा बेग विलंब न करिए, देर न करिए, देर न हो जाए कहीं, देर न। गुरु जी ने कहा बेग शीघ्रता करिए, विलंब न करिए। क्यों? सुदिन सुमंगल तब जब राम हो जुब। सुंदर दिन और मंगल घड़ी तब ही जब राम जी युवराज पद पर बैठ जाएं। कलयुग का मानव ये तो त्रेता है, कलयुग का मानव गुरु जी को तो मानता है, गुरु जी की एक कौन नहीं मानता है। गुरु जी को मानेगा, गुरु जी की नहीं मानेगा। गुरु जी बोलेंगे उठ के चला जाएगा, गुरु जी की फोटो जरूर पूजेगा। ये कलयुग का आदमी है,
वो त्रेता की घटना देखिए ना, गुरु जी ने कहा वेग विलंब न तत्काल तिलक करा देना चाहिए सरकार का ना, बोले प्रातः काल सूर्य भगवान की उपस्थिति में आपके कर कमल से राम जी का समय ऐसा आया, मंथरा ने ऐसा विकट पढ़ाया कि जो कही कही अम्बा राम जी को तिलक चाहती थी और राम जी को वनवास चाहती। समय बीते रिप हो ही प्रीते, समय फिरे समय बीतने समय फिरने समय चूकने पर, अरे साहब जो मुलायम धरती रहती है वो कठोर हो जाती है, जो अपने होते हैं वो पराये हो जाते हैं। समय पर अपने परायों को परिभाषित करना बहुत कठिन है। बहुत सोचिएगा नहीं, परंतु जीवन में कभी कलेश आए, विपत्ति आए, दुख आए, तो अपनों और परायों का अंतर अवश्य कर लीजिए, परीक्षण न करिए, अनुभूति कर लीजिए। आपत्काल में जो हमारे संग है वो हमारा अपना है, संपत काल में तो पराये भी अपने हो जाते हैं। मनुष्य से अधिक जीव जंतुओं में समर्पण होता है। मनुष्य का समर्पण स्वार्थ परक होता है। मानव बिना अपना लाभ देखे मैत्री स्थापित नहीं करता, परंतु एक जीव एक जंतु एक जानवर ओहो केवल लाड़ प्यार पुचकार से भी साथ चल देते। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने कुत्ते पाल रखे होंगे, मनुष्य से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है। उसका स्वामी भोजन न करे तो कुत्ता भोजन नहीं करता। घर वाले दो चार बार पूछेंगे आप अच्छा हम खा लें, खा लो तो खा लेंगे। वो जो सेवक है वो नहीं खाएगा, आपकी थाल से निकलेगी उसी को खाएगा। गौ माताएं स्वामी अस्वस्थ होने वाला है तो गौ माताएं रोने लगती हैं, उनको आभास होता है। गौ और कुत्ता इनको पूर्वाभास बहुत जबरदस्त होता है। तो क्या करें, नहीं जान ले, करना थोड़े कुछ है, जान ले इसको, केवल जानिए कुछ करिए नहीं, समझ लीजिए। पूरा ब्रह्मांड जानता है कि माँ ने दो वचन मांगा, एक में भरत जी को गद्दी, दूसरे में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। चक्रवर्ती जी देना नहीं चाहते थे, परंतु रघुकुल की सौगंध लिए थे, सत्य की सौगंध लिए थे, राम की सौगंध लिए थे, इसलिए ना नहीं कर पाए। इतने कहते रहे तिलक तो मैं भरत को कर दूंगा, वन में राम का क्या काम है। आप हट छोड़ो, राम जी को अयोध्या में रख लो। लेकिन देखो आप समझा कौन रहा है इसको समझना बहुत आवश्यक है, चाहे जिसके समझाने पर नहीं समझना चाहिए। हमारा नौकर हमको समझा रहा है, हमारा सेवक समझा रहा है, ऐसा स्वामी जिसका सेवक और उसका सेवक और उसका सेवक समझाने पर समझ जाए उसका विनाश बहुत निकट होता है। दासी ने समझा दिया, माताजी समझ गई, पक्का तुम्हारे इतना मेरा कौन ही तैसी है। कई कई अम्बा यहां तक कहती हैं कि तुम्हारे समझाने पर मैं कुआं कूद जाऊंगी, अरे पुत्र पति का त्याग कर दूंगी, लेकिन करूंगी वही जो तुमने कहा है। अरे वाह, हम अपने से बहुत नीचे वाले के समझाए पर जब समझते हैं तो हमारा जो होना होता है वही होता है, जो होना था वही यहां हुआ।
समझ की एक रेंज हो, एक स्थिति हो, किसकी सुननी है और किसकी सुनकर समझनी है। हुआ वही जो नहीं होना था। श्री अवध में परमात्मा को प्रातः काल जब पता चला तो सरकार ने माँ से प्रणाम प्रशंसा सब करते हुए वन यात्रा स्वीकार कर ली। सिया जो नहीं मानी वो भी चल दी, लक्ष्मण जी भी चल दिए, क्योंकि तीनों एक है, स्वरूप एक है साहब। वर्षासन दिया प्रभु ने, गुरुदेव को कुछ निवेदन किया भरत जी के हेतु, और ब्राह्मण देवताओं को वर्षासन देकर सरकार मेरे वन की ओर चल दिए। समंत्र जी को प्रेरित किया, चक्रवर्ती जी महाराज ने रथ लेकर जाइए, चार दिन राम जी को वन दर्शन कराकर वापस लाइए, कदाचित सत्यवर्ती राम न आए तो सिया जी को लाइएगा, हम शरीर की रक्षा कर लेंगे। हमारा आपका मन कहीं न कहीं उलझा रहता है, कहीं परिवार में, पुत्र में, पत्नी में, बच्चों में, भाई में, पिता में, माता में, व्यापार में, व्यवहार में, अरे हाँ वहां हम यही डोलते रहते, हम बाहर नहीं निकलते, कहाँ जाएंगे, हम जिसमें रहेंगे उसी में डोलेंगे। लेकिन क्या अच्छी बात कि हमारा ये मन धीरे 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 उनमें रमे जिन्होंने इन सब को बनाया है। हमसे अच्छा हमारे बारे में कोई नहीं जानता। हम रात में अकेले होते हैं, दिन में अकेले होते हैं, स्नान करते अकेले होते हैं, पूजा करते हैं तो भगवान, और हम अकेले होते हैं तो हमारे बारे में हमसे अच्छा कौन जानता है। हम जैसा हैं वैसा बताना चाहते हैं क्या? नहीं, हम जैसा हैं वैसा छिपाना चाहते हैं, जैसा सामने वाले को अच्छा लगे वही अपने बारे में बताना चाहते हैं। ये हमारा जीवन हो गया है, राम जी का जीवन ऐसा नहीं है। राम जी का जीवन सरल है, सहज है, जैसे है राम जी वैसे एकदम सरल है, सकल विकार रहित गत भेदा कही नित नित निरूप ही नित्य है, संसार अनित्य है, नित्य परमात्मा सर्वत्र है, जहां देखते हैं हम आप वहां भी हैं, नहीं देखते हैं वहां भी, ऐसे मेरे प्रभु चल दिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।